एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो टुडे इज थर्सडे और सब कुछ हो गया है, डन काम वाम। अब बन रहा है नाश्ता, तो नाश्ते में आज दिखाते हैं आपको। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। बहुत दिनों से नहीं बनाए थे, हमने कहा चलो बना लें आज आलू के पराठे। चाय हमारी बन गई है, तो जिसको नाश्ता करना है यू कैन कम। गाइस देखिए मैट्रेस कितना ज़्यादा अच्छा है, मम्मा ने दिया है, थैंक यू मम्मी। और बहुत ही बढ़िया मैट्रेस है, नींद भी बहुत अच्छी आती है इस पर, सीरियसली बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो बस अब मैं इसके चद्दर चेंज करने जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा दूँ कितना बढ़िया मैट्रेस है ये। बहुत ही बढ़िया है, मज़ा ही मतलब आ जाता है इस पर लेट के ही। देखिए क्योंकि गाइस अगर आपको अच्छी नींद लेनी है ना, तो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है मैट्रेस का। अगर मैट्रेस अच्छा है ना, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्लीप। सो बस गाइस मैट्रेस जो है वो बहुत मैटर करता है आपकी नींद में। सो थैंक यू सो मच मम्मी। बन गई है पतीले वाली गर्मा गर्म दाल विद राइस, क्योंकि आज हम लंच में दाल राइस खाएंगे। तो गाइस ये जो है ये मसूर की दाल है, और ये पतीले में बनाने में एक अलग ही टेस्ट आता है इसका, और प्रेशर कुकर में बनाने में कुछ अलग ही टेस्ट आता है। हम लोगों को पतीले वाली दाल पसंद है, जो कि गांव में बनती है पतीले में, तो इसका टेस्ट बहुत ऑसम लगता है। सीरियसली गाइस आप भी ट्राई कर सकते। तो गाइस मैं आपको जो बताने वाली थी ना, भूल गई थी, फिर मैं काम करने लग गई थी। एक्चुअली मैं ये बता रही थी कि अब बी केयरफुल आजकल के मौसम में, जैसे कि पेड़ पौधे हैं आपके घरों में, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे हैं, तो मैं भी ध्यान रखूँगी। एक्चुअली आज हमारी एक बुआ हैं, जिनका एक ब्लॉग में मैंने आपको घर का होम टूर दिया था पूरा, हमारे यहीं पे ही रहते हैं वो आगे। तो सबसे ऊपर सी वाला घर है उनका, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे सी, यहाँ पे यह है ए वाला, जैसे नॉर्मल दो या तीन कमरों का, फिर उससे ऊपर वाला चार कमरों का, फिर उससे ऊपर वाला पाँच छः कमरों का, ऐसे है यहाँ पे। तो उनका सबसे ऊपर वाला घर है, और उन्होंने ना एक अपनी बैल्कोनी में सिर्फ गार्डनिंग ही गार्डनिंग की हुई है गाइस। और उन्होंने ना तुलसी का ऐसे चकोर सा बनाया हुआ है, जमीन मतलब जमीन में कहेंगे, जैसे फर्श के ऊपर ही मिट्टी विट्टी करके ना, काफ़ी सारी गमले में तुलसी जी ने लगाई हुई हैं। तो आज मैं पूजा कर रही थी सुबह, तो बुआ का कॉल आया मेरे हस्बैंड के पास। तो बुआ कहती हैं कि इनका नाम लेके कि अभी अभी ना मेरे को कुछ अंडे मिले हैं तुलसी जी में से, तो समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के अंडे हैं ये। तो इन्होंने बोला कि वाइट वाइट अंडे हैं क्या? तो बुआ ने कहा नहीं, वाइट वाइट नहीं, स्लीमी स्लीमी से हैं, पता नहीं कैसे हैं, ऐसे अजीब से हैं, चिपचिपे से। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कि कहीं वो स्नेक के अंडे तो नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो में देखे थे स्नेक के अंडे, मैंने कभी नहीं देखे ऐसी, मतलब अचानक से वो वीडियो आई तब मेरे नज़र पड़ी, तब मुझे पता चला कि ऐसे अंडे होते हैं नहीं। तो फिर मैंने बुआ से बोला, मैंने कहा बुआ आप गूगल से ज़रा पिक्चर निकालो कि उसके अंडे कैसे होते हैं और उसे मैच करो। तो बुआ ने पिक्चर निकाली और उसे मैच करा, तो वो उसी के ही अंडे थे। तो भाई हम तो इतना डर गए, मैं भी डर गई। फिर मैंने बुआ से बोला ऐसे नहीं करते, फिर मैंने बुआ से बोला, मैंने कहा बुआ हो सकता है कि आसपास ही होगा वो, अगर उसने रखे अंडे तो होगी, तो इसीलिए आप ज़रा देखो। तो बुआ ने बोला मैं तो अपने घर में भैया सपेरे बुलवा रही हूँ, तो देखती हूँ कि क्या नाम है सपेरे जो हैं वो देखेंगे कि कहीं आसपास है या नहीं है। और बाकी एक्चुअली जो उनका घर है ना, घर के जस्ट बगल में बहुत बड़ा पार्क है, और पार्क में इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है, सोचो सी वाले के यहाँ तक आ रखे हैं, और उनके ऐसे करके पत्तियां झुक रही हैं बुआ के छत के ऊपर, तो हो सकता है वो चढ़ के भी आ गया हो, है ना। और एक ही हो सकता है कि आसपास ही हो वो कहीं। तो भाई मुझे तो इतना डर लग गया गाइस, सीरियसली जो रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स से मुझे स्टार्टिंग से ही डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस रेप्टाइल्स से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मैंने तो डर गई, मैंने कहा भैया आप तो जितने गमले हैं बस ठीक है, अब मैंने गमले बढ़ाने नहीं है, और ये सारे गमले को ना संडे को हटवा के और मैं और ये फटाफट अच्छे से नीचे नीचे से सफाई करेंगे सारी, क्योंकि गाइस बच्चे हैं छोटे छोटे, नीचे का घर है, नालियाँ भी हैं बाहर, खैर कवर्ड है बट उसमें ना छेद हैं छोटे छोटे से, वो भी मैं सोच रही हूँ कवर करवा दूँ उसको भी। तो गाइस बी केयरफुल इस वाले मौसम में, इसीलिए मैं बच्चों को अगर पार्क भी ले जाती हूँ तो मैं घासों में खेलने नहीं देती हूँ। और बाकी पूरी बरसात तो हम गए ही नहीं है, मुझे तो इतना डर लगता सीरियसली गाइस।
बता, तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक मतलब अजीब सा आज ट्रेजेडी सी हो गई, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। और गाइज मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है, आई हैव फोबिया दैट व्हेन आई टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स ना, दैट टाइम स्टार्ट, आई डोंट नो व्हाई ऑटोमेटिकली आई जस्ट स्टार्टेड टू इचिंग ऑन माय बॉडी। पता नहीं गाइज मेरी आदत है, या तो मैं टीवी में देख लूँ ये सब चीजें, या जैसे सामने देख लूँ ना तो अजीब सी खुजली सी हो जाती है मेरे बदन में, अजीब सी। इसीलिए गाइज मैं बात कम करती हूँ उस चीज के बारे में, मुझे डर लगता है। तो बस आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साफ सफाई घर की करिएगा। और मैं तो गाइज आपको पता ही है कि मैं घर कैसे रखती हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मेरे को चैन नहीं पड़ रहा, अब इनसे सब चीज संडे को बेड वेड हटवा के ढंग से नीचे नीचे से झाड़ू पोछा करना है मैंने, सारे सोफे वोफे हटवा के इधर उधर तहस नहस करके सारी सफाई करनी है मैंने गाइज। तो आप लोग भी बहुत साफ सफाई रखिए घर में, कूड़ा इकट्ठा ना करिए, कबाड़ा इकट्ठा ना करिए, गंद मत करिए, क्योंकि कूड़े कबाड़े गंदगी में ये चीजें आती हैं। और जितना हो सके डेली नीचे नीचे से बैठ के और अच्छे से सफाई करिए, ताकि ये चीजें हमें अगर हो भी घर में, पहली बात तो ना हो तो वो हट जाए या पता लग जाए हमको गाइस। ठीक है गाइस, तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड नहीं करती हूँ। ये मेरे दाल चावल रह रहे हैं, तो जिस जिस को खाने आ जाओ, मजेदार दाल चावल बने गाइस, मतलब मजा ही आ जाता है दाल चावल खाके सीरियसली। और हो गई हूँ अब मैं बहुत मोटी, तो 1 तारीख से योगा ज्वाइन करने वाली हूँ। देखो फेस भी मेरा मोटा हो गया है, मोटी देखना, वो मुझे कह रहा मोटी कहीं की। बाबू मैं मोटी हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मैं खुद भी हो जा मोटा, तुझे किसने रोका है? तो छिलके चबाएगा तो कहाँ से मोटा हो जाएगा, हम तो खाना खाते हैं पतले। 1 तारीख से होने वाली मेरी योगा स्टार्ट, उसके बाद योगा के साथ साथ डाइट भी करेंगे, थोड़ा सा पतले होंगे बस, दैट्स इट। थोड़ा सा होना है, ज्यादा मुझे पतला पसंद नहीं है, हल्का सा चबी भी होना चाहिए, थोड़ा सा चबी चबी लुक अच्छा लगता है, ड्रेसेस भी अच्छी लगती हैं, एकदम डंडी से हो जाओ मरे से है, खाओ पियो ऐश करो। ज्यादा मैं डाइटिंग कर नहीं सकती गाइज, बिकॉज आई एम सो फूडी सीरियसली। एक दो बार मैंने डाइट करी है, 4-5 दिन तक फॉलो करी है, उसके बाद मैंने कहा चल खाना खा घर का। गाइज आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिन में दाल बनाई थी तो दाल भी रखी हुई है, तो मैंने शाम को सोचा क्यों ना टमाटो और जो ग्रीन चिल्ली है उसकी फटाफट तड़ छोंके वाली चटनी बना लें, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज। तो आप इसको हरी मिर्च और टमाटर डाल के और प्याज डाल के छोंक सकते हैं, जैसे प्याज खानी हो, और उसके बाद इसे ढक दीजिए। उसके बाद इसको आधी मतलब हमें पीस लेनी है और आधी थोड़ी सी खड़ी सी रखनी है। उसके बाद गाइज आप चपाती के साथ खाइए घी लगा के, लिटरली गाइज इट टेस्ट विल बी टू ऑसम गाइज, सीरियसली यू कैन ट्राई दिस, इफ यू डिडंट ट्राई टिल नाउ ना सो यू कैन ट्राई दिस, सीरियसली लिटरली इट टेस्ट इज टू अमेजिंग। तो आप भी ट्राई करो, खाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाओ टमाटर की चटनी, एंड ऑल्सो इट लुक्स टू यम्मी। आ चुके हैं पार्क और अभी अभी का सीन ऐसा है, अभी थोड़ी हवा चल रही है मस्त मस्त, अभी वो भाई साहब मतलब सारे भाई साहब खेले हैं बैठे हैं, और अभी हम भी खेल थोड़ी देर में, और इधर मम्मा घूम रही हैं, मम्मा कर रही है। और गाइज मैंने बुआ को फ़ोन किया था तो 2 मिनट में बुआ भी आ जाएंगी, और भाई साहब कर रहे हैं मजे में। और बच्चे कैसा लग रहा है पार्क में? एकदम तो गाइज मस्त हवा चल रही है एकदम। तो गाइस हम लोगों को एवरीडे आना चाहिए वॉक करने, वॉक करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, आई फील सो गुड आफ्टर वॉकिंग। एक्चुअली थोड़ा देर हो जाती है मुझे, क्योंकि 6:30 बजे तो बच्चे ही जाते हैं, 6:30 से 7:45 लग जाता है मुझे सेटलमेंट करने में घर का, उसके बाद जल्दी जल्दी खेल ले जा, पर ध्यान से खेलिए, उसके बाद जल्दी जल्दी निपटाती हूँ काम वाम, तो ये टाइमिंग हो जाता है 7 बज जाते हैं। मन तो बहुत करता है जल्दी आने का, बट क्या करूँ मजबूर हूँ, जल्दी नहीं आ पाती हूँ, मन करता है 5:30 लेके आ जाऊँ बच्चों को, बट उस टाइम मेरा ट्यूशन टाइमिंग होता है, एंड यू नो दैट ट्यूशन इज़ ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो इसलिए ट्यूशन भी मुझे करना होता है। सो बस सब वेट कर रहे हैं सोनू दीदी का, क्योंकि सोनू दीदी भी आ जाती हैं, सही लगता है। खेल लो यहाँ बाबू के पास देखते बाबू कैसे खेल रहा है, देखना उसे कितना मजा आ रहा है। दीदी एक हाथ पकड़वा ले ओम से, कार्तिक जा तू खेल।
कितना मजा आ रहा है दीदी देखना। बाबू आराम से आराम से। हम भी बहुत खेलते थे स्कूल में, है ना, खो खो बहुत खेलते थे। पाली खो खो, पाली खेली दीदी आपने? पाली पाला, ये देख किसी चिल्ला रहा है। सबसे ज्यादा पाला खो ही खेला। बाबू भैया को खिला लो मुँह, उसको हाथ पकड़ के जो वहीं चले जाओ, वहाँ साफ जगह है, वहाँ जाओ, घासों में नहीं, घासों में कीड़े होंगे। सब आ गए हैं जूस की शॉप पर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे बॉल बॉल दिला दो, बॉल दिख रही है से मौसमी, तो हम बॉल दिला रहे हैं। बॉल है ये? हाँ। मौसमी है कि बॉल है? बॉल। और भाई वहाँ पे खेल रहा है अकेला, बुला ले भाई, भाई को, भाई को बुला ले। चलो गाइस, अब हो रही है आरती और आप देख सकते गाइस। मंदिर में तो हो रही है आरती और हम अब करने जा रहे हैं ब्लॉग को एंड। तो गाइस इसी के साथ वो, सॉरी गाइस मेरी टंग स्लिप हो गई थी थोड़ी, तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करता। आई होप आज के ब्लॉग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और गाइस कमेंट में बताना कि मैंने कबड्डी कैसी खेली थी। तो मिलते हैं आपको कल, बाय।